हेलो फ्रेंड्स, आज हम जन्माष्टमी के मौके पर बनाने जा रहे हैं किशमिश की रबड़ी। तो देखिए, हम बनाते हैं आपके लिए किशमिश की रबड़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी भी होती है। आप इसको अपनी डाइट में बना कर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं किशमिश की रबड़ी, या इसको खीर भी कह सकते हैं। देखिए, हमने ली है ये किशमिश। ये वजन के हिसाब से होगी 100 ग्राम और इसको हमने पहले अच्छी तरीके से धो लिया है ताकि ये इसमें कोई भी गंदगी नहीं रहे। हालांकि किशमिश साफ होती है, फिर भी हमने धो लिया है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने थोड़ा सा पानी भी डाल कर रख दिया था ताकि दूध इसमें न लगे। हमने इसमें लिया है कोई 100 से 150 ग्राम दूध और इसको बॉयल आने तक को गर्म करते हैं, जब तक ये उबल ना जाए, अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। देखिए, हमारा दूध बॉयल होने लगा है और इसको उतारते हैं। और एक कप इसमें कप में लौट लेते हैं। और इसमें जो हमने किशमिश ली थी, इसको इसमें भिगो देंगे ताकि किशमिश अच्छी तरीके से फूल जाए। देखिए, हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। किशमिश में बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत होता है किशमिश में। देखिए, हमने दूसरा पैन लिया है और इसमें हमने लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध डाल दिया है। आप दूध चाहे बॉयल वाला लें या फिर बिना बॉयल का, फुल क्रीम दूध होना चाहिए। देखिए, हमने एक कटोरी ली है और उसमें हमने थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल लिया है, गरम दूध। और इसमें डालते हैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और कटोरी में अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। देखिए, हमने इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है और इस अभी रख देते हैं थोड़ा दूध। हम इसको पकने देते हैं, दूध को थोड़ा पक जाए तब इसको हम डाल देंगे। हम 4-5 मिनट इसको दूध को अच्छी तरीके से पकाएंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तब इसमें ये कस्टर्ड पाउडर हम डालेंगे। हमने ये देखिए वैनिला का कस्टर्ड लिया है। और इसको 4-5 मिनट अच्छी तरीके से पकने देते हैं। दूध हमारा देखिए पक चुका है अच्छी तरीके से। अब हम डालते हैं ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल बनाकर इसको रखा था। इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें और अच्छी तरीके से ये मिल जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और इसको लगातार चलाते रहते हैं ताकि ये नीचे न लग पाए। तो 2-3 मिनट लगातार हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, नहीं तो इसकी गुठलियाँ पड़ जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती। अब इसमें हमने 2 चम्मच मखाने का पाउडर लिया है। हमने मखाने को फ्राई कर लिया था और इसका पाउडर बना लिया है और इसको 2 चम्मच हम इसमें मिला देते हैं ताकि इसमें और गाढ़ापन आ जाए और
बिल्कुल रबड़ी की शेप में हो जाए ये दूध। मखाने के पाउडर से अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाता है और गाढ़ा भी ये बन जाएगी बिल्कुल रबड़ी की तरह। और इसको भी पकाते हैं कुछ देर। देखिए हमारे ये 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से हमने इसको पका लिया है। अब हमने जो ये किशमिश गरम दूध में भिगो कर रखी थी इसको भी डाल देते हैं और इसको भी पकाते हैं। और इसमें डालते हैं कुछ ड्राई फ्रूट। हमने ये बादाम लिए हैं इसको और काट लिया है और कुछ लिए हैं हमने काजू। इसको भी डाल देते हैं, दोनों को हम डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिलाकर फिर पकाते हैं। और इसमें डालते हैं ये इलायची पाउडर। हमने इलायची को कूट लिया है अच्छी तरीके से, इसमें मिला देते हैं। इस इलायची से अच्छा फ्लेवर आता है। हमने इसमें मिश्री ली है, चीनी हमने नहीं डाली है। हमने 1 चम्मच मिश्री ले ली है और इसको इसमें डाल दिया है। हालांकि किशमिश में बहुत मिठास होती है, फिर भी हमने बहुत कम चीनी का इस्तेमाल ना करके मिश्री का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच डाली है। इसको पकने देते हैं। देखिए पकते पकते गाढ़ी होने लगी है और ये थोड़ी देर इसको हम रख देंगे तो और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए हम ये इसमें हमने सर्व कर लिया है। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल रबड़ी की तरह लग रहा है। अगर हमारी आपको किशमिश की रबड़ी बनाने का तरीका पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना आपको ये कैसी लगी। जन्माष्टमी के मौके पर किशमिश की खीर